ये क्या बनाया हुआ है आपने? हमने सर हैमर मिल बनाया हुआ बाद में। बाद में, ठीक है। हैमर मिल की वर्किंग क्या होती है, तेज तेज बताओ, देख के बताओ। तेजी से ये जो हैमर मिल होती है वो बाल मिल होती है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? हम किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने के लिए यूज करते हैं। बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम साइज रिडक्शन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है? इसमें हैमर्स लगे होते हैं। हैमर्स कहाँ पे हैमर्स है? हाँ, और मिले रखे बताओ। बीच में सॉफ्ट लगे होते हैं, इस सॉफ्ट के सहारे से हैमर्स घूमते हैं, रोटेट करते हैं। और इसमें फीड कहाँ से डाला जाता है? फीड इंग्लिश यहाँ से डाला जाता है, और यहाँ से आउटलेट आउटलेट किया जाता है। आउटलेट किया जाता है, यहाँ से आप फीड डालते हैं और ये रोटेट होता है, और ये रोटेट होने के बाद जो है आपका सिस्टम, यहाँ से आप फीड को इनलेट करेंगे, और यहाँ से जब प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा बड़े पार्टिकल्स का, तो ये प्रोडक्ट आउटलेट से आप क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। और ये पूरी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है? मेटल की बनी होती है, ठीक है। अब बाल मिल बताओ, ये बॉल मिल का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताओ क्या क्या होती है। बॉल मिल इसमें मेटल के बॉल्स होते हैं जो तेजी से रोटेट करते हैं, जिनकी वजह से मीडियम साइज में मीडियम स्पीड से रोटेट करते हैं। अगर हम तेज स्पीड करेंगे और बहुत स्लो स्पीड करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? उस समय भी तो बॉल्स आपकी रोटेट हो रही है, उस केस में भी तो आपका साइज रिडक्शन होना चाहिए। तेज स्पीड में सर बॉल से रोटेट तो होंगे, लेकिन तो साइज ऐसा नहीं करेंगे कि वो पूरे गोल में पूरे बॉडी में घूमने लगेंगे। अच्छा, तो आपने दिखाया नहीं वहाँ पे, अगर इसका एक डायग्राम बना देते आप तो ज़्यादा अच्छा था, तीनों स्पीड का, तो उसमें आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते थे, उसको डिस्क्राइब भी कर सकते थे, ठीक है। इन जो इसके अंदर बॉल्स होती हैं स्टील्स की, मेटल्स की, इनकी साइज़ क्या होती है? इनकी साइज 2 से 5 सेंटीमीटर 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आपका ये दोनों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग अच्छे से पता है, ठीक है। ये दोनों हमारी क्या होती हैं, साइज रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो आपकी होती है हैमर मिल होती है, ये बॉल मिल होती है। हैमर मिल्स में क्या होते हैं, आपके हैमर्स लगे होते हैं, उसके जरिए आप क्या करते हैं, साइज को रिडक्ट करते हैं, और बॉल मिल में आप बॉल्स की मदद से साइज रिडक्शन करते हैं। और कुछ इसके बारे में जानते हैं? इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको पता है? जी सर, इसमें इसका एडवांटेज होता है कि इसे आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट को क्या रिड्यूस कर सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को हम बड़े पार्टिकल्स को आसानी, प्रोडक्ट को नहीं रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट के साइज को, यानी कि पार्टिकल के साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके लिए सर डिसएडवांटेज आएंगे, हीट हो जाता है। अगर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट आपका है तो वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके।